तो अगर आपको या हम में से किसी को भी आईटी इंडस्ट्री में अपना करियर स्टार्ट करना है, जॉब स्टार्ट करनी है या फिर जॉब स्विच करनी है, तो उसका जो सबसे इम्पोर्टेंट एंड स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो है रिज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग। एंड रिज्यूमे यार एक ऐसी चीज है जिसकी मदद से हमारे लिए बहुत सारी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज के डोर्स ओपन हो जाते हैं। सो इट्स डेफिनेटली अ फर्स्ट डोर टू सक्सेस। एंड यही एक रीजन है अगर हमारे पास कोई ऐसा रिज्यूमे नहीं है जो कि इंटरव्यूअर्स का अटेंशन सीख कर पाए या इंटरव्यूअर्स के माइंड में क्यूरियोसिटी बिल्ड कर पाए, तो डेफिनेटली हम बहुत सारी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज खो देंगे एंड टॉप टेक कंपनीज में काम करने के हमारे सपने सपने ही रह जाएंगे। एंड रिज्यूमे को लेकर मैंने बहुत सारे अच्छे फ्रेजेस एंड कोटेशंस पढ़े हैं, जिसमें से यहाँ तक ये भी मेंशन था कि आप अपने रिज्यूमे को एक टिंडर प्रोफाइल के जैसा बनाइए, क्योंकि टिंडर जैसी डेटिंग एप्लीकेशंस पे आपको डेटिंग के लिए मैच चाहिए, तो आप एक बहुत अच्छी सी प्रोफाइल बनाते हो सो दैट आपको मैचेस आ जाएं। सो इसी तरीके से अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी का मैच चाहिए तो आपको अपने रिज्यूमे पे भी बिल्कुल काम करना पड़ेगा। एंड रिज्यूमे बिल्डिंग अपने आप में ही एक इम्पॉर्टेंट स्किल है एंड अपने करियर के स्टार्टिंग फेज में एंड नॉट जस्ट एज अ बिगिनर। एंड मैंने तो बहुत सारे ऐसे वर्किंग प्रोफेशनल भी देखे हैं जो कि बहुत भारी भारी मिस्टेक करते हैं एक अच्छा एंड इम्पैक्टफुल रिज्यूमे बनाने में, एंड मैंने भी एज अ बिगिनर वो मिस्टेक्स की हैं। आप लोग बिलीव नहीं करोगे, जब मैं इवन कॉलेज में था, जब मैंने अच्छे डेवलपमेंट नहीं करे थे, अच्छे प्रोजेक्ट्स पे काम नहीं करा था, तभी भी मेरा रिज्यूमे 2 पेजेस का हुआ करता था। तो आप लोग खुद इमेजिन कर सकते हो कि किस लेवल की मिस्टेक्स थी। एंड ये चीजें धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ में ही आती है कि कैसे एक अच्छा इम्पैक्टफुल रिज्यूमे बनाना है। एंड मैंने अपनी पिछली कंपनीज में काफी सारे इंटरव्यूज लिए हैं, तो इवन एक एक साल दो दो साल वाले एक्सपीरियंस बंदों के 3-3 पेज के रिज्यूमे होते थे एंड 5-6 साल वाले तो उनसे भी एक लेवल नेक्स्ट होते थे, मतलब 6-7 पेजेस के मैंने रिज्यूमेज देखे हैं जो कि कम्प्लीटली अननेसेसरी है। एंड आज की वीडियो में मैं बेसिकली उसी चीज के बारे में बात करने वाला हूँ कि कौन कौन सी मिस्टेक्स को आपको अवॉइड करना है एंड कैसे आप एक बहुत अच्छा एंड इम्पैक्टफुल रिज्यूमे बना सकते हो। एंड इस टॉपिक से रिलेटेड आपको बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी इंटरनेट पे मिल जाएंगे एंड डेफिनेटली आप उन चीजों से भी सीख सकते हो, बट मैं जिस रिज्यूमे का पर्सपेक्टिव आप लोगों को दूंगा दैट विल बी अराउंड डेटा इंजीनियरिंग, कि एज अ डेटा इंजीनियर क्या चीजें मैं अपने रिज्यूमे में यूज करता था, कैसे मैं अपना रिज्यूमे बनाता था। एंड वही एक रिज्यूमे था जिसने मेरे को बहुत ज्यादा हेल्प करी Amazon, Uber, Google, Microsoft जैसी कंपनीज में शॉर्टलिस्ट होने के लिए। तो देखना वीडियो को लास्ट तक, बहुत कुछ सीख के जाओगे। एंड इसी तरीके का और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट चाहिए तो पहले से ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ऑलराइट, तो यार ये जो स्क्रीन पे तुम लोग देख सकते हो यही है मेरा सिंगल पेज रिज्यूमे जिसने मेरे को हेल्प करा था इतनी अच्छी अच्छी टॉप टेक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए। सो मैं आपको 1 by 1 एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या क्या चीज़ें आपको नहीं करनी है एंड कैसे आप इसको इम्प्रूव कर सकते हो। तो पहली चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप कंपनी के CEO तक भी हो तभी भी आपका रिज्यूमे 1 पेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बट आज के टाइम में यार अगर आपने अच्छे काम कर रखे हैं, अच्छे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रखा है, तो डेफिनेटली उन चीज़ों को शोकेस करना चाहिए। तो मेरा ओपिनियन यही रहता है कि अगर आपका एक्सपीरियंस इस हिसाब से कि मैक्स टू मैक्स चीज़ें 1 पेज में आ जाएं, तो आप सिंगल पेज रिज्यूमे बनाइए। एंड अगर चीज़ें उससे ज़्यादा हैं एंड आप चाहते हो कि वो इम्पैक्टफुल हैं एंड यू वॉन्ट टू शोकेस, तो मैक्स टू मैक्स यार 2 पेज से ज़्यादा तो कभी भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे कौन सी चीज़ें आपको पहले नहीं करनी है, मोस्टली लोगों को शिकायत ही रहती है कि हम जब रिज्यूमे बनाने बैठते हैं तो बहुत सारा स्पेस चला जाता है, तो उसमें मिस्टेक क्या होती है। पहली जो मेजर मिस्टेक होती है कि हम प्रॉपर फॉर्मेट यूज़ नहीं करते हैं जिसमें कि हम अपनी इंफॉर्मेशन को कॉम्पैक्ट तरीके से दिखा पाएँ। एंड आज के टाइम में आप देखोगे जो ये कॉलमनर टाइप ऑफ रिज्यूमे फॉर्मेट है ये बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग भी है। इसमें खुद ही देख सकते हो कि कितने कॉम्पैक्ट स्पेस में कितनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन आप पुटअप कर सकते हो। तो आई वुड हाईली रिकमेंड इस तरीके का 2 कॉलम वाला आप फॉर्मेट यूज करिए। एंड क्या मेन रीजन है कि लोगों का अननेसेसरी स्पेस भर जाता है रिज्यूमे में, वो होता है जब आप बहुत अनऑर्गेनाइज्ड वे में या अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन पुटअप करना स्टार्ट कर देते हो रिज्यूमे में। तो भी बहुत सारे फ्रेशर्स होंगे जो कि ये वीडियो देख रहे होंगे, आप लोग खुद ही इमेजिन कर सकते होगे आप अपने रिज्यूमे में ऊपर लिखते हो ऑब्जेक्टिव लाइक आई वांट टू वर्क फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर आई कैन एक्सेल माय स्किल सेट दिस दैट ब्ला ब्ला। मैंने भी लिखा था तभी मुझे याद भी है। तो ये चीज़ें अननेसेसरी हैं। एंड सेकेंड थिंग कि एड्रेस वगैरह जहाँ होता है, मतलब आप अपने मॉम का नाम लिखते हो, डैड का नाम लिखते हो, करस्पॉन्डिंग एड्रेस लिखते हो, सारा चीज़ें इतना लंबा चौड़ा वहाँ पे आप फिल कर देते हो, तो ऑब्वियसली अननेसेसरी स्पेस जाएगी। जो एक रिक्रूटर के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है वो होता है आपके बारे में जानना
क्योंकि अगर इंस्टेंटली आपको उन्हें कॉन्टेक्ट करना है या आपका काम देखना है तो वो चीजें आपके रिज्यूमे में ऑन टॉप होनी चाहिए एंड मेक श्योर कि वो सारी चीजें एक्टिव हों। तो ऑब्वियसली आपका नाम ऊपर होना चाहिए, आपकी करंट जो डेजिग्नेशन है वो हेडर में ही आ जानी चाहिए एंड आपकी एक्टिव ईमेल आईडी, आपकी एक्टिव फोन नंबर, ऑल्सो आपका एक्टिव लोकेशन जहाँ पे भी आप काम कर रहे हो या आप जहाँ पे रह रहे हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपका हेडर में ही यहाँ पे आ जानी चाहिए एंड मेक श्योर ये चीज़ें क्लिकेबल भी हों, मतलब कि आपका अगर ये ईमेल आईडी है आप इस पर क्लिक करें तो ये ओपन हो जानी चाहिए मेल बॉक्सेस में। तो इस तरीके से इस पर आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट चीज़ आती है कि हमको यहाँ पे क्या चीज़ें लिखनी है, यहाँ पे क्या चीज़ें लिखनी है। तो ऑब्वियसली रिज्यूमे में जो मेन चीज़ों पे हाईलाइट होता है वो होता है आपका वर्क एक्सपीरियंस एंड टेक्निकल स्किल्स। तो कैसे इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे डालना है, पहले तो आप एजुकेशन वाला सेक्शन देख लो यार। अगर आपने बैचलर्स कर रखी है तो एजुकेशन हेडिंग डालो और सिंपल सा केवल अपने ग्रेजुएशन का कॉलेज बता के कौन सी स्ट्रीम से करा था, काम खत्म वहीं पे। 10th 12th ये सब इंक्लूड करने की कोई नीड नहीं है। एंड अगर आपने मास्टर्स वगैरह कर रखा है कुछ तो आप वो दोनों चीज़ें इंक्लूड कर दो, जैसे मैंने एमसीए कर रखा था तो मैंने वो चीज़ भी इंक्लूड कर दी एंड अपना बैचलर्स वाला भी। तो इतने से ही साइज में मेरा एजुकेशन वाला काम खत्म। नाउ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जहाँ पे कि लोग बहुत बड़ी बड़ी मिस्टेक्स करते हैं एंड यहाँ पे आपको क्या चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है, अपने टेक्निकल स्किल्स, डेफिनेटली वो सुपर इम्पॉर्टेंट है। तो लोग मिस्टेक क्या करते हैं, वो क्या करेंगे, एक हेडिंग बनाएंगे टेक्निकल स्किल्स और कॉमा सेपरेटेड अपने सारे स्किल्स लिख देंगे। मतलब आप खुद ही समझ सकते हो कि अगर आप एक रिक्रूटर हो तो आप क्या वो चीज़ पढ़ना पसंद करोगे कि इतना बड़ा एक पैराग्राफ कॉमा सेपरेटेड स्किल सेट लिखे हुए हैं, तो आप खुद ही उस चीज़ को पसंद नहीं करोगे। तो यहाँ पे मेरी जो रिकमेंडेशन है वो यही है कि इस तरीके से आप अपने स्किल सेट्स को कैटेगराइज करें, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा रिक्रूटर्स के लिए आपके रिज्यूमो को देखना। क्योंकि कई बार होता है कि वो इन हाईलाइट्स पे ही फोकस करना चाहते हैं कि आपको हाँ डेटाबेस की नॉलेज है, आपको बिग डेटा की नॉलेज है, आपको डैशबोर्डिंग टूल्स की नॉलेज है, तो वो हेडिंग देख के ही उन चीज़ों को समझ जाते हैं हाँ इस बंदे ने काम कर रखा है एंड आपका शॉर्टलिस्टिंग का वाला काम बहुत ईजी हो जाता है। तो इस तरीके से बहुत कैटेगराइज्ड एंड क्लीन दिखेगा आपका टेक्निकल स्किल्स वाला सेक्शन। एंड एक चीज़ जो मैं हमेशा बोलूँगा अवॉइड करना यार, फेक स्किल्स कुछ भी मत डालना जो उन कंपनीज के जॉब डिस्क्रिप्शन में तो मेंशन होते हैं बट हमने एज अ प्रैक्टिकली इन पे काम नहीं कर रखा होता है, तो वो चीज़ें नहीं करनी है क्योंकि उसमें आपका ही नुकसान है। क्योंकि इंटरव्यूअर की नज़र उस पर पड़ेगी, वो क्या करेगा, उससे क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट करेगा एंड फिर क्या होगा, आप आंसर नहीं दे पाओगे एंड सब काम वहीं पे ख़त्म। भले ही 10 स्किल सेट पे सॉलिड तरीके से काम कर रखा हो उतने ही मेंशन करो, ये मत सोचो कि नहीं मेरे को 15 20 30 स्किल सेट भरने ही भरने, अननेसेसरी ऐसी कोई भी चीज़ नहीं करनी है। नाउ नेक्स्ट चीज़ जो आते हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट और होगी वो होता है आपका वर्क एक्सपीरियंस एंड सारी चीज़ मोस्टली यहीं पे घूम के ही आती हैं। तो वर्क एक्सपीरियंस कैसे लिखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल वर्क एक्सपीरियंस जो होना चाहिए वो आपका होना चाहिए डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब कि आप जहाँ पे भी करेंटली काम कर रहे हो उस कंपनी से स्टार्ट करोगे एंड पीछे जहाँ तक भी आप काम करके आए हो उन सारी चीज़ों को यहाँ पे मेंशन करोगे। तो जैसे मैंने ये वाला रिज्यूमे दिया था जब मैं पेटीएम से दूसरी अपॉर्चुनिटी देख रहा था अमेजोन एनी जैसी कंपनीज में, उस टाइम पे मैं पेटीएम में काम कर रहा था तो मैंने ये चीज़ को इंक्लूड करा था कि भाई मेरी ये कंपनी है, मैं इस डेजिग्नेशन पे काम करता हूँ। एंड उसके बाद में मेन जो चीज़ होती है जहाँ पे कि लोग अगेन बहुत ज़्यादा स्पेस कंज्यूम करते हैं अपने रिज्यूमे में वो होता है अपने प्रोजेक्ट्स को एक्सप्लेन करने में, ठीक है। तो मेरा क्या आइडिया है एंड इवन इंटरव्यूअर्स को भी क्या पसंद है कि भाई आप ये सारी चीज़ें इतना ज़्यादा कंटेंट में क्यों लिख रहे हो इस रिज्यूमे में, क्योंकि आपके इंटरव्यू में एक डेडिकेटेड राउंड होता ही है जहाँ पे कि इंटरव्यूअर का आपके साथ में क्वेश्चन आवर्स होंगे इस चीज़ के लिए कि भाई आपने कौन से प्रोजेक्ट पे काम कर रखा है, जरा उसके बारे में बताओ, आर्किटेक्चर बताओ, ये सारी चीज़ों पर डिस्कशन होता ही होता है। तो आपका सिंपल आइडिया क्या होना चाहिए, आपने उस कंपनी में पहली बात अगर आपने 10 प्रोजेक्ट पे काम कर रखा है तो ज़रूरी नहीं है कि आपको 10 प्रोजेक्ट यहाँ पे मेंशन करने हैं, ठीक है, वो बिल्कुल भी रिक्वायर्ड नहीं है। आइडिया हमेशा ये होना चाहिए कि आप उन प्रोजेक्ट्स को मेंशन करो जहाँ पे आपका कंट्रीब्यूशन बहुत सॉलिड था, क्योंकि वो ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे आपसे कि शशांक आपने अपनी प्रीवियस कंपनी में कौन सा एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट करा था, जरा उसके बारे में हमें बताइए, क्या क्या चैलेंजेस आए, आपने कैसे उनको डील करा एंड कैसे उस प्रोजेक्ट को एक स्केलेबल सॉल्यूशन में कन्वर्ट करा। तो ये सारे डिस्कशंस होते ही होते हैं एंड अपने प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करने में मैक्स टू मैक्स 2-3 लाइन में ही उसको खत्म कर दें एंड वो 2-3 लाइन बुलेटेड फॉर्म में होने चाहिए,
कोई पैराग्राफ टाइप में नहीं। एंड आप ये चीज पे भी फोकस करो कि उस प्रोजेक्ट का एक्सप्लेनेशन देने में आपके वर्ड्स ऐसे यूज हो कि मिनिमम कंटेंट में मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन डिलीवर हो पाए, प्लस इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स को हाईलाइट करना बिल्कुल ना भूलें। एंड एक और चीज, जितने अच्छे नंबर्स आप ऐड कर सकते हो उस प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करने में वो जरूर करना, बिकॉज इट विल हेल्प द इंटरव्यूअर टू अंडरस्टैंड कि आपकी कॉन्ट्रीब्यूशन से क्या क्या अच्छे इंप्रूवमेंट्स हुए इस प्रोजेक्ट में। एक एग्जाम्पल, लाइक मैंने एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाया जो कि बैड क्वेरीज को कैप्चर करता था एंड 50% हमारा मैनुअल एफर्ट कम कर दिया, तो वो 50% चीज दिखाएगा कि यार पहले पूरा 100% मैनुअल जाता था बट आपके एफर्ट से अब वो 50% पे आ गया। तो इस तरीके की चीजें इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स बहुत ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट करते हैं अगर पॉसिबल है अपने प्रोजेक्ट्स को कैटेगराइज करना। इससे होता क्या है कि कभी कोई कंपनी किसी स्पेसिफिक डोमेन में काम कर रही है तो जैसे ही उनकी नजर इस कीवर्ड पे पड़ती है उनका इंटरेस्ट आपके रिज्यूमे पे और बढ़ जाता है। एंड अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, अचीवमेंट्स। तो ये एक सेक्शन भी है जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड लोग यूजुअली इसको इग्नोर कर देते हैं। लोग सोचते हैं कि अचीवमेंट्स ऐसी हमने देखी नहीं अभी तक अपने प्रोफेशनल करियर में, तो हम यहाँ पे मेंशन क्या करें, एंड दैट इज टोटली फाइन। बट मेरा कहना यही है कि अचीवमेंट्स आपकी किसी भी तरीके की हो सकती हैं, बट जो आपको चीज अवॉइड करनी है, बहुत पुरानी पुरानी अचीवमेंट्स नहीं डाल देनी है, लाइक आपने कहीं 8th-9th में ऐसे कॉम्पिटिशन जीता था उसको नहीं मेंशन करना है। आपकी जो लेटेस्ट अचीवमेंट्स हैं, कहीं पे भी किसी भी वे में आपने कॉन्ट्रीब्यूट करा है किसी भी चीज में, आप एक कोई कम्युनिटी चलाते हो, आप किसी एनजीओ के साथ एसोसिएटेड हो, आपने कोई टेक टॉक्स दी हैं, आपने कोई हैकाथॉन जीता है, तो उन चीजों को डेफिनेटली ऐड करो आप अपने रिज्यूमे में, क्योंकि उस चीज से एक बहुत अच्छा इंप्रेशन क्रिएट होता है, लाइक कि जो ये बंदा है भाई कंपनी के काम के अलावा और भी चीजों पे फोकस करता है एंड अपने इंप्रूवमेंट पे भी ध्यान देता है। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सो आप लोगों को इस पे भी ज्यादा फोकस करना चाहिए। एंड एक लास्ट एडवाइस जो मैं देना चाहूंगा रिज्यूमे में एंड अपने चांसेस को इंक्रीज करने के लिए इंटरव्यूज में, वो ये है कि आप अपने रिज्यूमे को डायनेमिक बनाइए, ठीक है। एंड डायनेमिक रिज्यूमे से मेरा मतलब क्या है कि अगर आप डिफरेंट डिफरेंट डेटा डोमेन्स वाली कंपनी को टारगेट कर रहे हो तो आपके प्रोजेक्ट्स एंड आपकी स्किल सेट उसी के अकॉर्डिंग आपके रिज्यूमे में दिखने चाहिए, क्योंकि जैसे ही लोग देखेंगे कि हम खुद ही हेल्थ केयर पे काम कर रहे हैं एंड इस बंदे ने भी प्रीवियसली हेल्थ केयर के डेटा पे ही काम करा है, तो हमें ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा इसको ट्रेन करने में एंड विल बी दी गुड कैंडिडेट। तो ये परसेप्शन क्रिएट हो जाएगा एंड इसीलिए कह रहा हूँ कि आपको अपने रिज्यूमे को डेफिनेटली डायनेमिक बनाना चाहिए, बट ऑलवेज सेव योर सेल्फ कि आपको कुछ भी फेक चीज मेंशन नहीं करनी, कोई फेक प्रोजेक्ट एंड फेक डिटेल प्लस फेक स्किल सेट, क्योंकि एट द एंड इससे आपका ही नुकसान होगा। तो बस यार यही था आज के वीडियो में रिज्यूमे के बारे में। आई होप ये सारी डिटेलिंग आपको समझ में आ गई होगी। आई नो वीडियो थोड़ा डिटेल बना है बट ये इन्फॉर्मेशन एक तरीके से गोल्ड माइन आपके लिए साबित होगी अगर आप इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर लेते हो इस तरीके का रिज्यूमे बनाने के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो एंड वैल्यू एडिंग लगा हो एंड आपको भी अब पता लग गया कि आपको क्या क्या मिस्टेक्स नहीं करनी है, तो यार वीडियो को लाइक करना, बहुत अच्छी रीच मिले ताकि लोगों तक पहुंचे एंड लोग भी इस तरीके की मिस्टेक्स ना करें, स्पेशली एस्पायरिंग डेटा इंजीनियर्स। एंड जो भी अच्छे पॉइंट्स लगे हों इस रिज्यूमे के बारे में एंड जो आपको पता ना हो वो चीज़ मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना। एंड इस रिज्यूमे टेम्पलेट का लिंक मैं डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप लोग इसको डाउनलोड करके यूज भी कर सकते हो। तो आप लोग भी फटाफट अपने अच्छे से रिज्यूमे पे काम करो, अच्छा रिज्यूमे बनाइए सो दैट अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज मिले, एंड जब मिल जाए तो मेरे को कमेंट में भी बताना कि दिस इज एक्चुअली हेल्प यू। तो बस यार यही था आज के वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करने के लिए। जल्दी मिलता हूँ एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।